देश चांद पर पहुंच गया है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अब भी अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं। सिंगरौली में एक 60 वर्षीय महिला की जादू टोने के शक में निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चितरंगी में नौगई निवासी 60 वर्षीय महिला फूलवंती सिंह गोंड की जादू टोने के शक में हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि फूलवंती लकड़ी लेने के लिए जंगल गई थी। जंगल से घर वापस नहीं लौटी, तब घर वालों ने महिला को ढूंढना शुरू किया तो वह जंगल में मृत अवस्था में मिली। महिला के सिर और पैर में चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। शक के आधार पर जब पुलिस ने एक व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। आरोपी का कहना है कि कई दिनों से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसको शक था कि महिला के जादू टोने के चलते वह बीमार हुआ है, इसलिए उसने महिला की हत्या कर दी। घटना दिनांक 26 तारीख को प्रातः चतरंगी थाना अंतर्गत सूचना मिली कि एक महिला की छत्रास रामनगरी के पहाड़ी की चोटी पर मिली है। सूचना पर तत्काल निरीक्षक महोदय द्वारा थाना प्रभारी चतरंगी को निर्देशित किया गया कि मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करें। चतरंगी थाना प्रभारी की टीम वहाँ पर मौके पर पहुंची, सब का पंचनामा वगैरह किया गया। मामला हत्या का प्रतीक हुआ और तत्काल इस पर संज्ञान लेते हुए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए गए, पूछताछ की गई। पूछताछ में बात सामने आई कि गांव का ही एक व्यक्ति जिसका नाम हरेन सिंह गौड़, ये इसके साथ फूलवंती सिंह जो मृतक मृतिका महिला है, फूलवंती सिंह के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोने का शक अंधविश्वास रखा हुआ था। उसी पर से एकांत में पाकर जंगल में जब महिला नदी पीने गई हुई थी, इसी दौरान उसकी हत्या कर दी। और संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।